अब उपचुनाव से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। तो खबर वाराणसी से, जहां पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन का की भूमिका में दिखाया गया और पोस्टर पर लिखा संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। ये पोस्टर वरुणा पुल इलाके में लगाया गया है। ये पोस्टर महानगर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेता ने लगाया है। ये पोस्टर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि अर्जुन राहुल गांधी को बताया गया है, कृष्ण अखिलेश यादव को बताया गया है। और देखिए, पिछले काफी दिनों से पोस्टर वॉर खूब चल रहा है। उपचुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, पोस्टर वॉर और तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी समर्थक ने एक पोस्टर लगवाया, जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण तो राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा है संकल्प 2024 लक्ष्य 2027। यह पोस्टर वरुणा पोल इलाके में लगाया गया। यह पोस्टर महानगर प्रवक्ता समाजवादी छात्र सभा के नेता ने लगाया है। तो कटोगे बटोगे से शुरू होकर अब अर्जुन और कृष्ण तक पोस्टर लगने लगे हैं। उपचुनाव इस वक्त उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पोस्टर वॉर तो खास तौर पर देखने को मिला है। एक स्लोगन कटेंगे तो बटेंगे बीजेपी ने दिया और उसके बाद एसपी ने लगातार इस पर एक के बाद एक नारे दे दिए और अब एक नया पोस्टर ये सुर्खियों में बना हुआ है। रवि पांडे इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार पोस्टर वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है इस उपचुनाव में और अब तो एक नया पोस्टर और लग गया है। कहां पर ये पोस्टर लगाया गया है, क्या कुछ लिखा गया इस पोस्टर में? बिल्कुल, देखिए ये पोस्टर जो है वो समाजवादी पार्टी के ही नेता के द्वारा लगाया गया है और बकायदा इसमें सारथी के रूप में यानी श्री कृष्ण के रूप में अखिलेश यादव को दिखाया गया, अर्जुन के रूप में राहुल गांधी को दिखाया गया और संकल्प 2024 के साथ साथ लक्ष्य 2027 का इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। साफ तौर पर एक संदेश दिया जा रहा है पोस्टर के जरिए कि उत्तर प्रदेश का जो 2027 का जो चुनाव है वो अखिलेश यादव के रथ पर ही राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और अखिलेश यादव को मेन श्री कृष्ण के भूमिका में दिखाया गया है। तो जो पोस्टर वार है वो लगातार सामने आता जा रहा है, लखनऊ से लेकर के बनारस तक और प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी पोस्टर वार के जरिए जो अलग अलग विपक्ष के जो नेता हैं वो आमने सामने आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जबरदस्त तरीके से चल रहा है, खासतौर पर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, प्रचार के साथ पोस्टर वॉर भी दिखाई दे रहा है।